झरिया बलियापुर मुख्य मार्ग के घनोडी पुल के पास झामड़ा कपाइक पोकलेन मशीन से फट गया। आपको बता दें कि दरोगा प्रधान कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा सड़क निर्माण कराया जा रहा था, इसी दौरान पुल तोड़ने के क्रम में 8 इंच का झमाड़ा का पाइप पोकलेन मशीन से फट गया, जिससे आसपास के हजारों घरों में पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई, साथ ही पानी की भी बर्बादी हो रही है। आक्रोशित स्थानीय लोगों ने कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ विरोध किया, साथ ही निर्माण कार्य को घंटों रोक दिया। आपको सूचना देना चाहिए, बिना सूचना के काम शुरू कर दिया गया, उसका पेप फट गया, हम लोग पानी कहाँ से पिएंगे? हम लोग का जान है कि नहीं? हम भी पेशेंट आदमी है, हम रोड में निकल के आना पड़ा, हमको कुछ हो जाएगा तो क्या जिम्मेवारी लेगा कोई है? हम लोग कहाँ जाए पानी के लिए? तो क्या बताया, कुछ बोला होगा ना कब तक पाइप बनाएंगे? कुछ भी नहीं बोला गया है, कुछ भी नहीं, हम लोग कोई सूचना नहीं है, कोई चीज का सूचना नहीं कि हम लोग रोड बंद कर रहे हैं। कब तक पानी का पाइप बनाएगा ऐसा कुछ? ऐसा अभी हम लोग कुछ नहीं सुने हैं। आगे क्या करिएगा आप लोग? हम लोग रोड जाम करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मंजू देवी। आपको सूचना देना चाहिए, बिना सूचना के काम शुरू कर दिया गया, उसका पेप फट गया, हम लोग पानी कहाँ से पियेंगे? हम लोग का जान है कि नहीं? हम भी पेशेंट आदमी है, हम रोड में निकल के आना पड़ा, हमको कुछ हो जाएगा तो क्या जिम्मेवारी लेगा कोई है? हम लोग कहाँ जाए पानी के लिए? तो क्या बताया, कुछ बोला होगा ना कब तक पाइप बनाएंगे? कुछ भी नहीं बोला गया है, कुछ भी नहीं, हम लोग कोई सूचना नहीं है, कोई चीज का सूचना नहीं कि हम लोग रोड बंद कर रहे हैं। कब तक पानी का पाइप बनाएगा ऐसा कुछ? ऐसा अभी हम लोग कुछ नहीं सुने हैं। आगे क्या करिएगा आप लोग? हम लोग रोड जाम। चार धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई माँ मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें माँ कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।